अमरनाथ अर्थात अमर भगवान शिव के कई नामों में से एक, विच मीन्स इमॉर्टल गॉड। हिंदू धर्म में काफी सारे लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, जिसमें से कि अमरनाथ भी एक धाम है। दिस होली केव इज द अबोड ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसमें कि स्नो से बना हुआ नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है। हम सब लोग इस अमरनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, बट हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इसी अमरनाथ से कुछ दूरी के ऊपर इस अमरनाथ का एक दूसरा हिस्सा भी है, जिसे कि हम बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जानते हैं। और आज मैं आपको लेके चलूंगी उसी बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के ऊपर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना मावता। ये है मेरा नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड आज मैं आपको लेके चल रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर की एक रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर। As you all know कि जम्मू को द सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर के एक प्रसिद्ध मंदिर की ओर, जहाँ पर कि भगवान शिव का वास है। हम सब लोग अमरनाथ के बारे में तो जानते हैं। जी हाँ, मैं उसी अमरनाथ की बात कर रही हूँ जहाँ पर कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और जहाँ पर कि हम में से बहुत सारे लोग यात्रा करने सावन के महीने में जाते हैं। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ उसी अमरनाथ के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे हम बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जानते हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी इज लोकेटेड इन मंडी इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ आने के लिए आप दो रास्ते ले सकते हैं। एक रास्ता जो जम्मू से आता है, जहाँ से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो अराउंड 6 hours 47 minutes का है, एंड एक रास्ता जो कि पहलगाम से आता है, जो अराउंड 6 hours का है। इज ऑल्सो नोन एज चट्टानी बाबा अमरनाथ टेम्पल, विच इज ब्लेस्ड विद पिक्चर क्यू सराउंडिंग्स। This temple is located on the foothill and यहाँ पर naturally formed white stone का शिवलिंग है। ये माना जाता है कि जो लोग भी अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, उनकी यात्रा को तभी संपूर्ण माना जाता है अगर वो यहाँ श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ के यहाँ दर्शन के लिए आए। यहाँ पर हर साल 10 दिन के लिए अराउंड जुलाई एंड से लेकर अगस्त स्टार्टिंग तक यात्रा निकाली जाती है, जो कि बहुत ही ग्रैंड स्केल पर ऑर्गेनाइज की जाती है। ये मान्यता है कि जो लोग भी थोड़े ओल्ड एज हैं और जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते, जो अमरनाथ के दर्शन करने नहीं जा सकते, तो वो यहाँ श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ आ सकते हैं, और वो इक्विवेलेंट है अमरनाथ के। तो यहाँ पे रोड बहुत अच्छा बना है, मतलब कोई टूटा फूटा रोड नहीं है, एंड रास्ते में जगह जगह आपको ढाबे मिल जाएंगे, तो आपको खाने पीने की भी ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बूढ़ा अमरनाथ के बिल्कुल पास, एंड यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर कि आप प्रसाद ले सकते हैं। तो मेरे बिल्कुल ठीक सामने मुझे बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसके दो एंट्रेंस है, एक तो ये इस साइड से मेरे लेफ्ट साइड से, और एक बिल्कुल स्ट्रेट जाके है। तो यहाँ का बेनिफिट ये है कि गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक जाती है, आपको कोई पैदल यात्रा या कुछ भी नहीं करनी पड़ती।
सो ये है मंदिर की एंट्रेंस। आज यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज मैं आफ्टरनून के टाइम पे गई थी, अदरवाइज मॉर्निंग में यहाँ पे काफी भीड़ रहती है एंड एक लंबी लाइन में आपको लगना पड़ता है। यहाँ पे वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड विंटर्स में यहाँ पे काफी हेवी स्नो पड़ती है। ये मंदिर मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock तक खुला रहता है, तो आप कभी भी आके दर्शन कर ले सकते हैं, बट हाँ विंटर्स में ये मंदिर बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल। पंडित जी ने हमें यहाँ पे पूजा के साथ साथ यहाँ की पूरी कहानी बताई, तो प्लीज मेरी नेक्स्ट क्लिपिंग में पंडित जी की उस पूरी कहानी को जरूर सुनिएगा। स्थान बहुत पुराना है, सतयुग का स्थान है, ये जो पूरी पालकी टाइप स्थान है, ये पूरा नेचुरल स्थान है। तो फिर एक कलयुग की बात है, फिर एक रानी चंद्रिका लोहरन में रहती थी, वो हर वर्ष श्रावण महीने में पूर्णिमा वाले दिन अमरनाथ यात्रा करने जाती थी। एक वर्ष बहुत बर्फबारी पड़ गई, उनको अमरनाथ यात्रा करने नहीं जाने को, उन्होंने अनजल ग्रहण करना छोड़ दिया। काफ़ी देर बाद उनको एक बार रात में स्वप्न आता है, तो एक बूढ़े बाबा आते हैं तो उनको पूछते हैं कि रानी जी आपने अनजल ग्रहण करना, आपने अनजल क्यों छोड़ा है। तो रानी ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि मैं हर वर्ष अमरनाथ में जाती थी, इस वर्ष नहीं जाने हुआ तो मैं इसलिए भगवान के दर्शन के। उन्होंने बताया कि आपके ही राज्य में एक महादेव का स्थान है, तो जाके आप उधर जाके दर्शन करें। तो जैसे ही सुबह होती है, स्वप्न खत्म हो जाता है, जैसे सुबह होती है तो एक रियल में बूढ़े बाबा भिक्षा लेने आ जाते हैं। तो रानी तो अनजल ग्रहण किए बहुत देर हो गई थी, तो उठ नहीं सकते थे। जैसे ही वो अपनी दासियां भेजती हैं तो भिक्षा देने के लिए, तो बूढ़े बाबा मना कर देते हैं, बोलते हम भिक्षा लेंगे रानी के हाथ से। तो दासियों ने मना किया कि बोले कि हम रानी जी उठ नहीं सकते। उन्होंने बहुत बार मना किया पर बूढ़े बाबा फिर भी नहीं माने। लास्ट में बूढ़े बाबा बोलते हैं कि जाओ मेरा संदेशा भेजो रानी जी के पास। जैसे ही संदेशा पहुँचाते हैं तो उसमें संदेशे में इतनी शक्ति होती है कि रानी जी उठ के बाहर आ जाते हैं और भिक्षा देते हैं और उनको पूछते हैं कि रानी जी आपको रात को स्वप्न आया था वो याद है। तो रानी जी ने बताया कि मैंने आपके ही दर्शन किए थे। फिर बूढ़े बाबा इधर लाते हैं उनको, तो दासियां अपने सैनिकों को बोलती हैं कि बूढ़े बाबा अपने त्रिशूल गाड़ते हैं इधर और बताते हैं कि ये स्थान खोदो। तो ये मंदिर नेचुरल प्रकट होता है। तो फिर माता जो रानी थी जो पूजा अर्चना करती है और बूढ़े बाबा इसमें लुप्त हो जाते हैं। फिर उनको वरदान देते हैं जो अमरनाथ कथा करे वो यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा तब सफल होगी जो यात्रा इधर बूढ़ा अमरनाथ में करेंगे। बोलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ की जय। इस मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर आपको ये नेचुरली फॉर्म्ड मूर्तियाँ मिलेंगी जो कि खुद नेचुरली फॉर्म हो रखी हैं, किसी ने इन मूर्तियों को बनाया नहीं है एक्सेप्ट दी नंदी। ये एक्सपीरियंस एक्चुअली में मैजिकल है। यहाँ पर आपको राम सेतु का एक पत्थर भी मिलेगा। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गौरी कुंड की ओर, जो कि मंदिर के बिल्कुल ठीक एंट्रेंस के ऊपर बना हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस गौरी कुंड के पानी का सेवन करते हैं
उन्हें अपने फिजिकल बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें और बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है, वो बीमारियों को दूर करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे रिवर पुलसता है, जहां पर की मान्यता है कि ये रिवर ऋषि पुलसता के नाम पर रखी गई है, जो कि ग्रैंडफादर थे रावण के और जो यहां पर तपस्या करने के लिए आए थे। तो ये थी श्री बूढ़ा अमरनाथ की पूरी कहानी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। मैं जल्दी आती रहूंगी ऐसी और एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियोस लेकर। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सभी यंगस्टर्स एंड सभी लोगों से कि जिनके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो अमरनाथ नहीं जा पाते, उन्हें प्लीज यहाँ बूढ़ा अमरनाथ में शिव भगवान के दर्शन के लिए एक बार तो जरूर लेके आए। सी यू सून।